देख रहे द डेली इंडिया न्यूज। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ जिनका नाम हर वक्त राजनीति से जुड़ा होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सीएम देवेंद्र फडणवीस की वाइफ की, जिनका नाम है अमृता फडणवीस। मैम, फैशन शो ज्वेलरी में आप आई हो, बहुत बहुत खुशी हो रही है आज IFJS के एग्जीबिशन में आके, विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। बहुत खुशी है कि आज इसका इनॉग्यूरेशन है, और हम जैसे जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक अलग अलग रूप से हमें ज्वेलरी ने अडोर्न किया है, खूबसूरत बनाया है। हमें सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाया, हमें अफोर्डेबिलिटी दी है कि हम अलग अलग टाइप की ज्वेलरी अपने फैशन सेंस के हिसाब से, चाहे वो मॉडर्न हो, ट्रेंडी हो, उस हिसाब से चेंज करते रहे बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज़। और उसके अलावा इसने एक स्त्री सशक्तिकरण भी को सपोर्ट किया है। जैसे कि आप जानते होंगे, मोर देन 25 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री, तो और ज़्यादातर आर्टिस्ट इसमें स्त्रियां होती है, और जो स्त्रियों की टेस्ट जानती है, तो बहुत अच्छा है कि ये स्त्रियों को एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल रहा है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल रहा है। और ये एग्जीबिशन में भी मैन्युफैक्चरर्स हो, आर्टिस्ट हो, फैशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हो, सभी एकत्रित आके व्हाट दे वांट दे कैन गेट अंडर वन रूफ। रही बात ज्वेलरी की, मैम आप भी एक वूमन है, तो आप किस हद तक पसंद करती हैं ज्वेलरी? आई लव ज्वेलरी, एंड मुझे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है अलग अलग क्लोथ्स के साथ, अलग अलग टाइप की ज्वेलरी। तो आई ऑलवेज प्रेफर फैशन ज्वेलरी बिकॉज वो हर क्लोथ के साथ, क्लोथिंग के साथ आप अलग टाइप की अपने हिसाब से ले सकते हो। तो आई लव फैशन ज्वेलरी फॉर अफोर्डेबिलिटी एंड द वैरायटी। फैशन ज्वेलरी की बात हो गई, लेकिन रही बात गोल्ड की, तो आपको गोल्ड कितना पसंद? गोल्ड सिल्वर तो हमारा, जैसे कहते हैं, एक भारतीय स्त्री का स्त्री धन रहा है। जो गोल्ड मुझे मेरी माँ से मिला शादी के समय, या मेरी दादी से मिला, वो आज भी मेरे मन के करीब है उसकी इमोशनल वैल्यू की वजह से। बट वो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू वेयर इट अनलेस आपके घर की शादी हो, तो ये सब आप रेगुलर वेयर कर सकते हैं और विदाउट मच टेंशन ऑफ इट बीइंग टू वैल्यूएबल। ये तो हो गई मैम ज्वेलरी की बात। रही बात आपकी सिंगिंग की, तो इसके बारे में आप क्या कहें? सिंगिंग तो मेरा निरंतर बचपन से ही चालू रहा है। तो अभी लेटेस्ट आपको पता होगा, मैंने कवर वर्जन कबीर सिंह के का एक फेमस सॉन्ग था उसका गाया, तो उसको अच्छा प्रतिसाद मिला, और आगे भी मेरे कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव गाने आते रहे।